मैं हूं अनु शर्मा, अपनी सहयोगी शिवानी और रजनी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के देहरादून में। दरअसल यूनिसेफ इंडिया की ओर से पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ जर्नलिज्म को लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कैसे एक जर्नलिस्ट की कलम से निकले शब्द किसी की सेहत बिगाड़ सकते हैं या किसी की सेहत संवार सकते हैं, तो कैसे ये सब होता है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं टीवी जर्नलिस्ट, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट और गो न्यूज़ के फाउंडर पंकज पचौरी जी। सर स्वागत है। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि कैसे जर्नलिस्ट की कलम से निकले शब्द किसी की सेहत बिगाड़ सकते हैं। जी, आज दो दिन की हमारी जो वर्कशॉप हुई क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स के ऊपर, उसके बाद में दो लाइन का एक नारा जो है वो मैंने बनाया है, और वो नारा ये है कि नीम हकीम खतरे जान। ये बहुत पुरानी कहावत है और हिंदुस्तान में इसे सब जानते हैं कि अगर आपका जो डॉक्टर है वो नीम हकीम है, यानी कि वो पूरी उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो अब नया जो नारा वो ये है, नीम हकीम खतरे जान और नीम मीडिया खतरे महान, कि अगर मीडिया जो है उसको पूरी जानकारी नहीं है खबर के बारे में और गलत खबर जो है वो शाया की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, लिखी जा रही हैं, तो सिर्फ एक बीमार को नहीं, एक उसकी बीमार के घर वालों को नहीं, पूरे पूरे समाज को खतरा हो सकता है। तो इसका लब्बोलुबाब ये जो पूरी कैस की जो ये प्रोग्राम है, इसका लब्बोलुबाब यही है कि कैसे गलत खबरों को, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको ब्रॉडकास्ट होने से या उनको डिसमिनेट होने से या उनको आगे जाने से रोका जा सके। नीम हकीम खतरे महान जो बन रहे हैं, समटाइम्स ओनरशिप प्रेशर्स में या सेंसिटाइजेशन हम जो करते हैं अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के या रीडरशिप बढ़ाने के लिए, तो उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, उनको समझाना वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आप उनको ये लगेगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, तो चाहे कोई भी ओनर हो, चाहे कोई भी वो मीडिया आउटलेट हो, उनको लगेगा कि क्रेडिबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसका असर उनके बिजनेस पे पड़ेगा और उसका असर उनके नाम पे पड़ेगा, उनका असर उनके ब्रांड पे पड़ेगा। तो अगर ये बात उनको समझाई जाए कि आप अगर सिर्फ पैनिक फैला करके या क्लिक बेट्स बना करके या सेंसेशनल खबरें दिखा करके अपना मीडिया बना रहे हैं, तो लॉन्ग रन में आपको उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और यही बात जो है जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये मालूम होनी चाहिए कि आप काठ की हांडी एक बार चढ़ा सकते हैं, और बार बार अगर आप उसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते रहेंगे या उसको सेंसेशनलाइज करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, जो कि आप हमारे मीडिया में देख रहे हैं। लोगों ने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया है। लोग कहते हैं कि हम टेलीविज़न देखना नहीं चाहते, कि वो सुबह से शाम तक उसके ऊपर झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए डिजिटल मीडिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया आप चूज़ कर सकते हैं, तो लोग ज़्यादा डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान में 84% लोग जो हैं वो ये कहते हैं, और ये रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की सर्वे है कि 84% लोग ये कहते हैं कि हम 84% न्यूज़ जो देख रहे हैं वो डिजिटल पर देख रहे हैं, जिसमें कि 62% जो है वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि उसमें लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या न्यूज़ देखनी है, क्या न्यूज़ नहीं देखनी है। टीवी में जो टीवी का रिपोर्टर है, टीवी का एंकर है, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या न्यूज़ देखनी है, तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जो एग्जिस्टिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो उनके पास हेल्थ रिपोर्टर ही नहीं है, अगर हैं भी तो उनकी जो टेक्निकल टर्म्स पर जो पकड़ है वह उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपका क्या सुझाव हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि हेल्थ रिपोर्टर जो है वो बहुत कम है, और उसका असर ये पड़ा है कि हमारे मुल्क में जो हेल्थ के ऊपर रिपोर्टिंग है वो पूरी रिपोर्टिंग का 1% भी नहीं है। जबकि अगर आप उठा के देखें कि बॉलीवुड को पर कितनी रिपोर्ट होती हैं या स्पोर्ट्स पर IPL पे कितनी रिपोर्ट होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा बन जाता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि लोगों को लगे कि भाई हेल्थ पे ज़्यादा रिपोर्टिंग करना है, तो एक तो ये कि जितने भी न्यूज़ रूम्स हैं उनको बाकायदा डिसीजन लेना पड़ेगा कि हेल्थ पे ज़्यादा रिपोर्ट करना है। दूसरा, कोविड के बाद में लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी किसी को मालूम नहीं होता था शब्द, अब लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बात हो रही है। इम्यूनिटी लेके पूरा का पूरा एक बिज़नेस जो है वो शुरू हो गया है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और किस तरह से बढ़ेगी इम्यूनिटी, क्या होगा। हेल्थ के प्रति लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं आप, तो इसलिए इसको बढ़ना भी ज़रूरी है। तो अब इसमें एक जो है वो बिज़नेस एंगल है वो जुड़ गया है कि अगर हेल्थ पर आप ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे
आप यूट्यूब पे चले जाइए, तमाम तरह के योगा अभ्यास सिखाए जाते हैं, उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ रही है। तमाम तरह की जो चीज़ें हेल्थ के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, वो बढ़ रही है। वैक्सीन जब आया तो वैक्सीन कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वैक्सीन लगाना है, नहीं लगाना है, कब लगाना है, मतलब हर एक रिक्शे वालों तक को और जो खेत में काम कर रहे हैं उन तक को ये मालूम था कि 90 दिन तक मैं अगर एक वैक्सीन लिए तो दूसरी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। वो इसीलिए हुआ कि उनको जान का खतरा लग रहा था, और इसीलिए हेल्थ रिपोर्टिंग इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि लोगों को लगेगा कि उनकी एक तो जान को खतरा है, उससे उनके ऊपर जो असर है फाइनेंशियल, जो दुश्वारी उनको होगी अगर कोविड हो गया तो आप काम पर नहीं जा सकते, तो फाइनेंशियल दुश्वारी, तो उससे लोगों का जो जिसे कहते हैं हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, सूचनाएं लेने की जो इच्छा है वो जगेगी, और न्यूज़ रूम जो है उनको ये लगेगा क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो वो उसको और ज़्यादा करने लगेंगे। अपनी तरफ से आपको ये करना है कि दबाव आप बनाए रखिए सब आउटलेट्स के ऊपर कि हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट की जाए, क्योंकि ये जो आपका व्यूअर है, रीडर है, वॉचर है, उसके लिए भी ज़रूरी है और पूरे देश के लिए भी ज़रूरी है।